हर हर महादेव। देखिए पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से योगेश कुमार शुक्ल जी हैं, इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि लोग लोक रीति कहते रहते हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। किसी पर्व या किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी पर्व पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस वंशज के लोग वह पर्व मनाना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये जो है हरडही यानी खंडित तो हो गया है। तब उसी पर्व पर उनके कुल में किसी के यहाँ पुत्र जन्म हो जाए या कोई गाय के बछड़ा हो जाए तो वे पुनः उस पर्व को मनाना शुरू करते हैं। तो क्या ये सही है? तब तक उस व्रत पर्व को नहीं मनाते हैं। और भी वो लिख कह रहे हैं आगे कि जो समाज के लोग किसी की मृत्यु होने के बाद उस कुल में एक वर्ष तक कोई नवरात्र व्रत रक्षाबंधन त्योहार आदि कुछ नहीं मनाते हैं। तो ये शास्त्री है या अशास्त्री है, इसका जो है निराकरण करें, इसको बतलाएं। देखिए भैया सुनिए, ऐसा है कि कुछ तो शास्त्र के निर्देश हैं और कुछ मनमानी बात भी जो है लोक में प्रचलित हो गई है। तो जो शास्त्र जिसको कहते हैं वो तो मान्य है, और जो मनमानी विधा है उसको त्यागने में ही फायदा है, क्योंकि शास्त्र से विरुद्ध होने के कारण। देखिए किसी को जरना शौच या मरना शौच होता है तो उस कुल में 10 दिन का अशौच लगता है। ये जो है कलयुग के लिए व्यवस्था दी गई है। तो अब 10 दिन का अशौच लगता है, सपिंडन होने तक फिर जो है अन्न प्रयुक्त अशुद्धि रहती है। तो 12वें दिन प्रायः सपिंडन हो रहा है अपकर्षण करके, तो फिर 12वें दिन तक जो है 12वें दिन के बाद सपिंडन होने के बाद 12वें दिन ही फिर वो अशुद्धि नहीं रहती है, अन्न प्रयुक्त अशुद्धि भी दूर हो जाती है। तो जिस तिथि में किसी के माता पिता आदि की मृत्यु हुई है तो उस तिथि में केवल माता पिता की मृत्यु तिथि, जहां भी जो निषेध गिनाए गए हैं वहां के भाई इस इन दिनों में कोई भी शुभ कर्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि भाई भद्रा में मत करिएगा कोई कर्म, दक्षिणायन में मत करिए, कृष्ण पक्ष में मत करिए, अमावस्या में मत करिए, ग्रहण इत्यादि में मत करिए, जहां जो दुष्ट समय की परिगणना की गई है वहां माता पित्रोर मृत तिथि, माता पिता की मृत तिथि में भी, मृत्यु तिथि में भी ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग मृत्यु तिथि से वो बार ले लेते हैं, मृत्यु दिवस दिन, अरे किसी का जो बुधवार को हो गया, शुक्रवार को हो गया, माता का या पिता का, या माता पिता का अलग अलग, तो वो 2 बारों में पूरे कभी भी ये 2 बार आएंगे, बोले हमारे यहाँ इनका विवाह नहीं होता, इसमें जो है कार्य नहीं होता, ये विधि भी ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना बात? ऐसा जो है पूर्वांचल में कई जगह चलता है, तो ये शास्त्र में निर्देश नहीं, भले ही आपके यहाँ की परंपरा हो बात अलग है, परंतु शास्त्रों में ऐसा नहीं है। मृत्यु तिथि पर एकोदिश श्राद्ध होता है, तो क्या आप हर बार दिन करेंगे, या उसी तिथि वो तिथि हर महीने में आएगी तब करेंगे? महीने में 2 बार तिथि आती है, वार 4 या 5 बार आता, तो 4-5 बार नहीं करना है, ना ही 2 बार करना है। वो जिस महीने के जिस पक्ष की जो तिथि है उसी में वो कार्य नहीं किया जाता। वो कार्य क्या? शुभ कर्म माने बालकों के संस्कार आदि, उसमें मुख्य रूप से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन श्राद्ध करना चाहिए इस दृष्टि से। परंतु यदि कोई त्योहार है या कोई पर्व है तो वो तो मनाना ही चाहिए, वो गलत नहीं हो गया। हाँ, जिस वर्ष वो कार्य हुआ है, जिस वर्ष माता पिता इत्यादि की या कोई परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो वो अशौच हो गया, तो उस वर्ष नहीं मनाया जाएगा अशौच होने के कारण। और बाकी के जैसे कह रहे हैं कि वो सपिंडन होने के बाद भी लोग पूरे वर्ष भर कोई व्रत त्योहार इत्यादि नहीं मनाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। मुख्य रूप से यही कहा गया है कि जो उत्तम षोडशी की आवृत्ति भी करना चाहिए,
जैसे कि अपकर्षण करके वो आपने संपिंडन तो कर दिया, लेकिन फिर भी वो तिथि में और वर्ष भर षोडश श्राद्ध उत्तम षोडशी के होना चाहिए। तो जब उत्तम षोडशी के ये जो हो रहे हैं आवृत्ति, आवृत्ति के बीच में भी यदि कोई घर में विवाह आदि कोई शुभ कर्म प्राप्त होता है तो उनके बचे हुए मासिक श्राद्धों को या षोडश श्राद्धों में से जो भी बचे हुए श्राद्ध हैं उनको किसी भी मासिक तिथि पर अपकर्षण करके उतने श्राद्धों को करके और विनायक शांति करके फिर वो कर्म करे। ये एक वर्ष का ये नियम है। परंतु बीच में होने वाले व्रत त्योहार इत्यादि तो मनाए ही जाते हैं, ये जो है अलग विधि है, इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु मुख्य रूप से ये है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ अब ऐसा नहीं होगा, अब हम दीपावली नहीं मनाएंगे या कोई जो है श्रावणी कर्म नहीं करेंगे। अरे भाई इसके लिए निषिद्ध थोड़े ही है। यदि किसी के यहाँ रक्षाबंधन तो अब चलने लग गया, मुख्य दिन मुख्य रूप से तो उस दिन श्रावणी कर्म है, तो श्रावणी कर्म यज्ञोपवीत धारियों के लिए अवश्य करनीय है। तो उस दिन अगर कोई मृत हो गया तब वो नहीं करोगे? एकादशी में किसी की मृत्यु होगी तो एकादशी व्रत नहीं करोगे? अरे भाई तुम्हारे यहाँ विवाह है और विवाह में यदि किसी की मृत्यु हो गई, मान लीजिएगा अगर किसी की मृत्यु हो गई तो अब क्या विवाह नहीं होगा उसके यहाँ कभी? क्योंकि हमारे यहाँ विवाह हुआ था तो मृत्यु हो गई। कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ यज्ञोपवीत तो होता है तो साहब मृत्यु हो जाती, अब यज्ञोपवीत तो नहीं होगा, ऐसा हमसे कहा है किसी ने बिल्कुल प्रामाणिक रूप से? अरे तो मैंने यही उत्तर दिया था कि भाई ये बतलाइए अगर आपके यहाँ विवाह होता और विवाह में कोई मर जाता तो विवाह नहीं करते क्या? फिर तो वंश डूब जाता या कोई भगा भगू करके लाते, क्या करते भाई? कि भाई ये कोई तर्क है? किसी की मृत्यु कभी भी हो सकती है, वो कोई दोषावह नहीं है, उससे कोई व्रत त्योहार इत्यादि खंडित नहीं होते हैं। वो तत्समय में आसौच इत्यादि तब ही वो नहीं होंगे, अन्यथा वो सब व्रत पर्व त्योहार इत्यादि मनाने चाहिए। कहीं भी शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि वो खंडित हो गया अब उसमें कोई जन्म लेगा तभी वो होगा, अन्यथा वो कार्य नहीं होगा। ये सब ये जो है कपोल कल्पित ये जो है परंपरा है, इसको त्यागना चाहिए। फिर सुनिए ध्यान से कि किसी भी व्रत पर्व में त्योहार में या किसी उत्सव में किसी की मृत्यु होती है तो तत्समय में भी आसौच काल में ही वो जो है बाधित होता है, अन्यथा प्रतिवर्ष उसमें नहीं रुकना चाहिए, वो कर्म व्रत त्योहार इत्यादि मनाना चाहिए। श्राद्ध करके जैसे दीपावली को किसी की मृत्यु हो गई तो दीपावली में प्रातः काल उसका मध्यान्ह काल में एकोदिष्टम तो मध्यान्ह काल में उसका एकोदिष्ट संस्कार होगा, श्राद्ध होगा, और वो श्राद्ध करने के बाद सायंकाल को वो अपने जो है दीपावली लक्ष्मी पूजन इत्यादि कर सकता है, करे। अब देखिए किसी की मृत्यु परिवार में जिस दिन होती है उस दिन घर में कभी विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि नहीं करना चाहिए, ये निषेध। त्योहार मनाना निषेध नहीं है, ध्यान बात रखना और ये ध्यान से सुनना। जिस तिथि के जिस महीने के जिस पक्ष में जहां जो महीने के जिस पक्ष की जिस तिथि में माता या पिता की, फिर दादा बाबा तक आगे नहीं चलेगा वो कि भाई वो हमारे दादाजी मर गए थे और कोई मर गए थे, ऐसे जोड़ेंगे तो साल में कोई दिन ही नहीं बचेगा। केवल माता पिता की, उस बालकों तक ही, फिर उनके बालकों की, उनके माता पिता की मृत्यु जो तिथि है उसमें अपने पुत्रों का विवाह या जिनकी जो है मृत्यु पहले हो गई उनके पुत्रों का भी विवाह नहीं हो पाया था, तो माता पिता की क्षय तिथि में विवाह यज्ञोपवीत आदि ये जो संस्कार आदि हैं ये नहीं करना चाहिए, यज्ञ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ अगर करेगा तो बीच में एकोदिष्ट श्राद्ध आ जाएगा, तो एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। लिखा हुआ है सुधा भिर्न दूषये तम, कोई भी शुभ कर्म जो है सुधा से, जो स्वाहा कर्म है, जो हव्य कर्म है, दैव कर्म है, देवताओं से संबंधित कर्म है, तो उसमें बीच में पितृकर्म नहीं करे। इसीलिए बीच में बलवैश्वदेव भी बंद रहता, क्योंकि बलवैश्वदेव में बीच में पितरों के लिए भी जो है दिया जाता है कव्य, तो
तो पितरों के लिए कब विनत दिया जाए, इसलिए बलभई सुदेव ही जो है यज्ञ इत्यादि में बंद रहता है, विवाह इत्यादि में बलभई सुदेव भी बंद रहता है, घर में कोई उत्सव हो तो बलभई सुदेव फिर नहीं होता है। इसीलिए लिखा हुआ अमावस्या भी बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर अमावस्या को जो है शुभ कर्म जो है देव कर्म को मना किया गया है, क्योंकि उस दिन पितृकर्म करना चाहिए। अमावस्या में मुख्य रूप से पितृकर्म, पिंड पितृयाग जो है पार्वण श्राद्ध पितरों के लिए अवश्य करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी यज्ञ है, अनुष्ठान है, कई पंडित लोग पूछते रहते हैं कि भाई कि दो पक्ष की नहीं होनी चाहिए, क्या है इसमें? तो देखिए, माशांत दोष लगता है एक, और एक क्षीण चंद्रत्वात्, चंद्रमा के क्षीण होने से, और अमावस्या के बीच में पड़ने से, ये तीन कारण है कि कोई भी यज्ञ, सप्ताह भागवत या कोई भी अनुष्ठान यदि आप करते हैं तो उसके बीच में अमावस्या नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से और अमावस्या तक इसमें जो है माशांत दोष होता है, तो वो माशांत दोष नहीं होना चाहिए। तथा अमावस्या को तो चंद्रमा क्षीण ही हो जाता है और वो पितृकर्म करने के लिए है, तो बीच में जो है पितृकर्म वाला तिथि आ जाएगी या वो कर्म आ जाएगा, इसलिए भी नहीं करना चाहिए। और क्षीण चंद्र से अमावस्या, अमावस्या को तो चंद्रमा क्षीण ही है, तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा, ये जो है चार दिन है, ये किसी भी शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित हैं, ये बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पितृकर्म में बड़े प्रशस्त हैं, देव कर्म भी अमावस्या में होता है जो निर्दिष्ट है, दान आदि कर्म ये सब होते हैं, सोमवती पड़ जाए तो पूजन स्नान भी होता है, और दीपावली इत्यादि को अमावस्या को पूजन भी होता है, ये अलग कर्म है, मुख्य रूप से ये यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि नहीं होते इसी कारण से। तो मुख्य रूप से जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर यही हुआ कि व्रत पर्व इत्यादि तो मनाए जाएंगे, लेकिन उन केवल क्षय तिथि में, माता पिता की क्षय तिथि में कोई यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान प्रारंभ या बीच में नहीं लेना चाहिए, ये शास्त्र का निर्देश है। आप इसके लिए सभी ग्रंथ देख सकते हैं, ये सभी का सार जो है आपको बतलाया गया है, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी मानने में विचिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शुद्ध शास्त्रीय पक्ष है, विद्वान लोग सब समझते हैं। हर हर महादेव।